इस हम आपको रेशो और प्रोपोर्शन से इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं। फर्ज कीजिए ये आपके सामने जिस तरह का एक प्रोपोर्शन यानी तनासब मौजूद है, ऐसा तनासब हो यानी ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। याद रखिए यहाँ ए से मुराद पहली रकम है यानी जो भी ए की जगह होगी, बी से मुराद दूसरी रकम है यानी जो बी की जगह होगी, सी से मुराद तीसरी रकम है जो भी सी की जगह होगी, और डी से मुराद चौथी रकम है यानी जो भी रकम डी की जगह होगी। तो इसको मसावात में बदलने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रोपोर्शन इक्वेशन यानी मसावात में बदल जाएगा। यानी आप पहली रकम को तीसरी रकम से और दूसरी को चौथी रकम से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी प्रोपोर्शन की, तो वो प्रोपोर्शन इक्वेशन यानी मसावात में